हाय फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो एज यूजुअल मेरे फ्रेंड्स सारे कराची से केक लेकर आते हैं। तो आज भी एक केक आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है, बहुत ही पुराना ये बेकरी है और बहुत ही फेमस है। आज भी अगर आप इसके केक खाओगे यू विल लव दिस, ओनली वंस यू सपोज टू ईट एंड यू विल लव नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली विल गो फॉर दैट। सो लेट्स सी कि आज का केक हमारा कैसा है। सो मैं इसको अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, सो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये रहा हमारा जो केक है, आप इधर देख सकते हो, लुक इट हियर, 1953 में बना है ना, मतलब खुला था। सो ये फ्रॉम 1953 चल रहा है। सो ये देखते हैं कि हमारा केक कैसा है। थोड़ा सा मेहनत का फिर मीठा होता है। ये पूरा कैरमलाइज्ड है, आप ऊपर देख सकते हो, ये कैरमल पूरा उसमें टॉपिंग किया हुआ है एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, पूरे सीजनल फ्रूट्स एंड सो टेस्टी, आई जस्ट लव दिस फ्रूट्स। और साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे जो बटर स्कॉच रहता है उसका क्रंच है। सो आई थिंक दिस टाइम दे हैव बॉट बटर स्कॉच। सो अभी हम लोग इसको खाने वाले हैं। अरे मैजिकल बना रही, टेबल खराब होगा, लकी भाई, कमलेश भाई लकी, कमलेश देखकर भूखते भूखते किस नहीं दे देगा। चलो कोरोना से बचने का इलाज नहीं भाई, देखो लाभ है, मास्क पहनो, है कि नहीं, मास्क पहनो, सुनीता से दूर रहो, कब बनाया क्लास में, मी वेयर ऑफ सुनीता, कब बनाया टाइम पास के लिए, इसका आईडी को बनाना पड़ेगा बाद में, बनाएंगे तो मैं भी देखना बनाने के लिए कितना लंबा पहन रहा। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, वाओ बढ़िया, वेरी गुड, यस स्वीटी, थैंक यू। चलिए ट्राई जरूर कीजिए और अगर ट्राई करते तो उसके बाद फिर से कमेंट कीजिए। ओके चलो बाय, विल नेक्स्ट बीट अगेन।